स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़े हैं। तो कंडीशन 1 में आपने पढ़ा कि आपको 1 डायगोनल की लेंथ और 4 साइड की लेंथ दी हुई है, ठीक है। 1 डायगोनल की लेंथ और 4 साइड की लेंथ दी हुई है। बट अब जो कंडीशन आ रही है कंडीशन 2, उस कंडीशन में आप पढ़ोगे कि आपको 2 डायगोनल की लेंथ और 3 साइड की लेंथ दी हुई है, तब आपको क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, अब उस कंडीशन के अंदर कैसे क्वाड्रिलेटरल को हम ड्रॉ करेंगे अब वो चेक करते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है। गिवेन दैट बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर डायगोनल ये दिया हुआ है, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया, लेकिन क्वेश्चन में डायगोनल नहीं दिया होगा, ठीक है। ये डायगोनल जो लिखा हुआ है ये नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट सिर्फ मेजरमेंट दी होंगी सारे लाइन सेगमेंट और डायगोनल के, तो ये भूल जाइए कि डायगोनल लिखा होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है उसमें डायगोनल लिखा था, इस वजह से मैंने नोट कर दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा, कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस बी एन डी जिसमें आपको दोनों डायगोनल दिए हैं और लेंथ तो ऑलरेडी इक्वल होती है, तो उसका आपको वो ऑलरेडी गिवन है। तो अगर डायगोनल आपने ड्रॉ कर ली है रोम्बस में, तो हमें आप उस रोम्बस को ड्रॉ कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बी सी ए डी सी डी ए सी बी डी। अब ए बी सी डी एक सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं और हमें ये करना है कि जो भी आपको लेंथ दी हुई है उनमें से कोई एक लेंथ आपके बेस में आए, क्योंकि अगर बेस आपका नहीं मिल पाया तो आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको इस टाइप में रफ डायग्राम बनाना है ताकि कोई एक इसमें से लाइन सेगमेंट आपके बेस में आ जाए। तो आप कोई भी लाइन सेगमेंट को बेस में ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना, सबसे पहले रफ डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो रफ डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ओके। अब इस क्वाड्रिलेटरल में नेमिंग कैसे देनी है, हमको लेना है सी डी, तो सी डी सी डी ले लेते हैं बेस में, क्योंकि सी और डी ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो हम इसको ले सकते हैं बेस में 5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी और डी है कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, आप इसको ले सकते हो बेस में, और इसके बाद ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ए बी सी डी। आप वर्टिसेस को हमेशा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ही लोगे, ये नहीं ए बी ए यहाँ लिख दिया और फिर यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, क्लॉकवाइज आप लोगे ताकि उनका सीरियल बना रहे। तो आपका ये सी डी हो गया। अब बी सी, बी सी कितना है 4.5 सेंटीमीटर और ए डी कितना है 5.5 सेंटीमीटर और डायगोनल ए सी, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को मीट करने वाला लाइन सेगमेंट डायगोनल होता है। सो ए डी ए सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर और बी डी कितना है, बी डी है 7 सेंटीमीटर, ये दूसरा डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का, तो ये है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले आप बेस को ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे बेस को। तो बेस को ड्रॉ करने के लिए आप One minute, let me set my camera. Okay, so base को draw करने के लिए आप क्या draw करोगे, सी डी। सबसे पहले सी डी को draw करते हैं, तो सी डी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर यहाँ से सी डी draw कर लेते हैं, बिल्कुल नीचे से करते हैं ताकि पूरा फिगर आ जाए। यस, तो ये हो गया सी डी 5 सेंटीमीटर। आपको कुछ भी पेन से नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए पेन से कर रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। अब सी डी के साथ जुड़े हुए वर्टेक्स हैं बी और ए, कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी, ठीक है।
तो बी और ए कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बी को ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, सी बी और डी बी। तो हम इसको अब करते हैं, ये डी बी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो वी विल टेक द रेडियस फ्रॉम द स्केल और फ्रॉम द सेट स्क्वायर, यू कैन यूज एनी थिंग, इट्स 7 सेंटीमीटर। ओके, सो पुट द पॉइंटर ऑन डी पॉइंट एंड मेक एन आर्क। ओके, सो लाइक दिस यू कैन मेक एन आर्क, देन पुट द पॉइंटर ऑन सी। ओके, एंड फर्स्ट टेक द रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, तभी तो कोई बी पॉइंट आएगा जब यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी से 4 पॉइंट, लेट मी टेक इट, यस 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस मैंने ले ली और सी पॉइंट पे मैंने पॉइंटर को रखा, सी पॉइंट पे पॉइंटर को रखा और मैंने इसको यहां से इसको इंटरसेक्ट कर दिया ऐसे। आई होप सबको दिख रहा होगा कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है और मैंने यहां पर इसको हाईलाइटेड कर दिया ताकि आपको दिख जाए। अब क्या करेंगे, हम सी से इस पॉइंट को और डी से इस पॉइंट को मीट कर देंगे। सो मीट कर दिया और ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया, बन गया ट्रायंगल। यस या नो, इसको भी डार्क कर देते हैं। सो ये पॉइंट कौन सा हो गया, दिस इज द पॉइंट बी। समझ आ गया सबको, अब इनकी लेंथ लिख देते हैं। फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और इस डायगोनल की लेंथ है कितनी, सेवन सेंटीमीटर। समझ में आ गया इतना सभी को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब ए पॉइंट पे हमको इंटरसेक्ट लेना है। तो मुझे एक चीज बताओ कि ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट लेने के लिए हमको कौन कौन सा, पहले तो आप इसका और इसका यूज कर लेते थे कि नहीं, लेकिन अब आपको ये तो दिया नहीं है, ए बी नहीं दिया है और ये कोई पैरेललोग्राम तो है नहीं कि ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको इसके लिए इन्होंने दूसरा वाला डायगोनल दे दिया। तो जो प्रोसीजर अभी आपने फॉलो किया है वही प्रोसीजर आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रेडियस सी ए की 5.5 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं और सी से एक आर्क लगाते हैं कॉर्नर में, इधर यहाँ पे। आई होप सबको दिख रहा होगा ये आर्क, दिख गया होगा। उसके बाद डी से ए के लिए 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे इसी आर्क में, दोबारा से सेम ऑलरेडी लिया हुआ है था मैंने, और ये आर्क इस आर्क को इस जगह इस पॉइंट पे कट किया। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है मुझे लग रहा है, यस एक्सटेंड हो गया है। आप अपनी की से इसको टाइट कर सकते हो, ठीक है, और इसको दोबारा से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं ताकि ये इस पे कट हो जाए। ठीक है, अब ये कट पॉइंट आया है, दिख रहा होगा सबको ये कट पॉइंट जो आया है। उसके बाद इसको ठीक से कर देते हैं, ये कट पॉइंट जो आया है, इस कट पॉइंट पे आपको बी को और डी को मैच कर देना। सबसे पहले डी को कर देते हैं और फिर उसके बाद बी को मैच कर देते हैं, और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। ठीक है, और फिर हम इसको मैच कर देते हैं सी से। तो ये हो गया डायगोनल की लेंथ और ये हो गया कितना 5.5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ आपको दी थी कितनी 5.5 सेंटीमीटर। तो आई होप कि सबको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं रोम्बस, इसको रोम्बस को ड्रॉ करते हैं। रोम्बस को ड्रॉ करने के लिए आपको दिया हुआ है, सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस के
डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाईसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बाईसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लेंथ दी हुई है वो आई होप किसकी दी हुई है मालूम पड़ जाएगा। मैं एक रफ डायग्राम अलग पहले बना लेता हूँ, बी ई एन डी, तो बी ई एन डी, तो क्या दिया हुआ है आपको, बी एन दिया हुआ है, बी एन दिया हुआ है और डी ई डी दिया, दैट मीन्स दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। तो डायगोनल क्या करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, यस या नो? तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप एक डायगोनल ऐसे बना लो, एक डायगोनल आप ऐसे बना लो और एक डायगोनल ऐसे बना लो, ये आपका रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और इस पर आप लिख दो बी एन और इस पर लिख दो डी ई, ठीक है, और इनको आप इसको मैच कर दो। बिल्कुल आपको ऐसे ही अब कंस्ट्रक्ट भी करना है, ठीक है। ये एक रोम्बस बन गया रफ के लिए। आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जानी चाहिए कि हाँ ये इस टाइप में बनेगा, ठीक है। तो बी एन डी आप इसको आप लिख दो, बी एन कितना है आपको दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर और डी कितना दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। अब इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले बेस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये है तो डायगोनल, लेकिन आप इसको एज ए बेस की तरीके यूज करोगे। मैंने आपको बताया है सबसे पहले बेस अगर नहीं बनाओगे तो आपका डायग्राम कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले बनाते हैं एक बेस, तो बी एन को हम यहाँ पर एज ए बेस लेते हैं, बी एन को एज ए बेस लेते हैं और बी एन है कितना यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर, तो बी एन लेते हैं 5.6, तो 5.5 आएगा उसके जस्ट आगे एक लाइन पे आपका 5.6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5.6 सेंटीमीटर बी एन 5.6 सेंटीमीटर। अब एक चीज मुझे बताओ कि रोम्बस में होता क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री, अब ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये सी अनु 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल जो है रोम्बस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये और ये वाली लेंथ क्या होंगी, बाईसेक्ट करते हैं, और ऐसे ही ये वाली लेंथ इसकी और इसकी इक्वल होगी। दैट मीन्स यहां पर इसकी लेंथ इक्वल होगी और ये इक्वल होंगे। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि डायगोनल की लेंथ हमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल की लेंथ दी हुई है, तो हम क्या करें, अगर हम इस BN को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर हम BN को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये तो हम इसको डार्क कर रहे हैं, डिवाइड कर दे, तो आपने क्लास सिक्स में लाइन को बाईसेक्ट करना सीखा होगा, सीखा था कैसे, मैं आपको यहाँ पर उस चीज़ को सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एक बार बताऊँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पॉइंटर को, जो कंपास है उसके पॉइंटर को एक वर्टेक्स पे एक आपको एंड पॉइंट पे रखना है उस लाइन सेगमेंट के, और हाफ ये है हाफ से ज़्यादा रेडियस लेनी है, हाफ से ज़्यादा रेडियस लेनी है। सबसे पहले आपको अपने कंपास के पॉइंटर को एक एंड पॉइंट पे उस लाइन के रखना है, और फिर उसके बाद हाफ से ज़्यादा रेडियस आपको कंपास में ले लेनी है। तो पॉइंटर को आपने रखा एक एंड पॉइंट पे और हाफ से ज़्यादा रेडियस ले ली, अब हाफ से ज़्यादा रेडियस लेकर के उसी रेडियस से एक आर्क आप ऊपर लगाओगे, अब रेडियस को आपको चेंज नहीं करने देना है, होने देना है, और उसी रेडियस से एक आर्क नीचे लगाओगे, उसी रेडियस से एक आर्क नीचे लगाओगे आप, ऐसे दिख रही होगी आई होप सबको, और फिर दूसरे एंड पॉइंट पर रखोगे और उसी रेडियस से एक आर्क ऊपर लगाओगे, ड्रॉ एन आर्क, और उसी रेडियस से एक आर्क आप नीचे लगा दोगे, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये हम इस लाइन को बाईसेक्ट करना सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एंड पॉइंट पे रखेंगे और
हाफ से ज्यादा रेडियस लेंगे कंपास में, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे, फिर दूसरे एंड पॉइंट पे रखेंगे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, वो जो कि पहले वाली आर्क को दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसका हम देख लेंगे, ये हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, आपको नहीं करना है ऐसा कुछ। ये पॉइंट है, इन दोनों को आप कर दो मैच, क्या कर दो मैच कर दो, मैच कर दिया आपने। अब ये BN जो है ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, हो गया ये BN टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, जो कि आप जानते हो कि यहाँ पर डायगोनल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, मीन्स बाइसेक्ट करते हैं, हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि इस डायगोनल में अगर मुझे DE, ये DE है कि नहीं, तो DE में अगर 6.5 लेना है तो हमें कैसे लेना होगा। अगर हम इस सेंटर पॉइंट से इक्वल रेडियस का आर्क ऊपर और उसी इक्वल रेडियस का आर्क नीचे लगा दें तो ये 6.5 बन सकता है, बन सकती है कि नहीं लेंथ। और वो 6.5 कैसे बनेगी कि अगर ऊपर भी 6.5 का आधा और नीचे भी 6.5 का आधा अगर हो जाए तो ये पूरी DE बन जाएगी और डायगोनल DE क्रिएट हो जाएगा। तो 6.5 का हाफ कितना होता है, 6.5 का हाफ कितना होता है, 6.5 का हाफ होता है 3.25, तो 3.25 ले लेते हैं, तो 3.2 के आगे थोड़ा सा आप कर दोगे तो 3.25 हो जाएगा। अब ये आर्क आपने ले ली, ये रेडियस ले ली 3.25 की, और इस पर ये सेंटर मान करके, इसको सेंटर मान करके एक आर्क आप ऊपर लगा दोगे इसी रेडियस से और एक आर्क आप नीचे लगा दोगे उसी रेडियस से। रेडियस अब आपको चेंज नहीं करनी क्योंकि आपको इस लाइन को बाइसेक्ट करना है, और बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको हाफ ऊपर एंड हाफ नीचे, ठीक है। सभी लोगों को ये वाला आर्क दिख रहा होगा। अब ये जो कट पॉइंट आए हैं, इन कट पॉइंट से आप क्या करोगे, ये कट पॉइंट जो आए हैं, दोबारा से एक बार मैं कर देता हूं, थोड़ा लाइट है आर्क, ये आर्क आया है आपका, ठीक है। पेन से डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको सिर्फ डार्क करने के लिए, दिखने के लिए स्पष्ट दिखे आपको। अब इससे इस पॉइंट से बी को मैच कर दो और इसी पॉइंट से एन को मैच कर दो, उसके बाद इस पॉइंट से बी को मैच कर दो नीचे वाले और इस पॉइंट से एन को आप मैच कर दो। ये बन गया आपका एक रॉम्बस, ये डी पॉइंट और ये क्या हो गया ई पॉइंट, और ये लेंथ आपकी कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 6.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। रोम्बस बन गया है, और रोम्बस बनने का क्या तरीका है जब आपको दो डायगोनल दिए हो। कल भी मैंने आपको रोम्बस बताया था कि नहीं, और वो कब बताया था, वो मैंने आपको बताया था जब आपको क्या दिया हो, एक लेंथ दी हो रोम्बस के और एक डायगोनल दिया हो। और आज मैंने जो आपको बताया है वो कैसे बताया है, जब आपको दोनों डायगोनल दिए हों, ठीक है। तो मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड होमवर्क में दे रहा हूँ, यह आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, और कंस्ट्रक्ट आपको सबसे पहले रफ में करना है, उसके बाद आप इसको फेयर में करोगे। कोई भी चीज़ लेंथ तक भी आपको पेन से नहीं लिखनी है, कुछ भी पेन से नहीं लिखना है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन में कुछ भी पेंसिल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करना है। कंस्ट्रक्शन हर एक फिगर में आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।